अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक करें वीडियोस टाइम पर और फ्री में देखने के लिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। प्रेशन दैत्य एकम एमरन अदनान, अल्बानियन में इसका मतलब होता है हेलो, मेरा नाम अदनान है। दोस्तों, हाल ही में कोसोवो की प्रेसिडेंट वजोसा उस्मानी ने भारत से कहा कि अब भारत कोसोवो को एक देश के रूप में स्वीकार कर ले। तो आज हम जानेंगे यूरोप में बसे एक छोटे से देश कोसोवो के बारे में। दोस्तों, कोसोवो यूरोप के बलकान क्षेत्र में सर्बिया और मैसेडोनिया के बीच में बसा एक छोटा सा देश है, जो कि यूरोप का सबसे नया और दुनिया का दूसरा सबसे नया देश है। कोसोवो साल 2008 में सर्बिया से अलग होकर एक नया देश बनकर सामने आया, लेकिन सर्बिया आज भी कोसोवो को एक अलग देश नहीं मानता है। और सर्बिया के संबंध रशिया के साथ अच्छे होने की वजह से वह देश जो कि रशिया के करीबी दोस्त हैं, जैसे कि भारत और ब्राजील, ना तो इन्होंने ना ही रशिया ने कोसोवो को एक अलग देश के रूप में स्वीकार किया। रशिया के कोसोवो का विरोध करने की वजह से ज्यादातर वक्त पर अमेरिका कोसोवो का बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, और अमेरिका कोसोवो का सबसे करीबी एलाय है। अमेरिका के अलावा भी यूरोप के ज्यादातर देश जैसे कि यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, और वह देश जो कि अमेरिका के मित्र हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और साउथ कोरिया, ये सभी देश ना सिर्फ कोसोवो को एक अलग देश मानते हैं बल्कि बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करते हैं। साल 2010 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कोसोवो को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया, और आज के समय यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर्स में से 98 देश कोसोवो को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार करते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशंस के सभी मेंबर्स का 51% होता है। एक समय पर यूनाइटेड नेशंस के 113 मेंबर्स ने कोसोवो को एक स्वतंत्र देश के रूप में रिकॉग्नाइज किया था, मगर इनमें से घाना, सुरीनाम और मेडागास्कर समेत 15 देशों ने ये रिकॉग्निशन वापस ले लिया। कोसोवो यूरोप के सबसे जवान देशों में से एक है। कोसोवो की औसत उम्र 29 साल है, और यहाँ की कुल आबादी में से 53% लोग 25 साल से कम के हैं। कोसोवो की कुल आबादी सिर्फ 18 लाख है, और यहाँ के 95% लोग मुस्लिम्स हैं, और बाकी बचे लोग या तो क्रिश्चियंस हैं या फिर एथीस्ट्स हैं। कोसोवो एक लोकतांत्रिक और धर्म निरपेक्ष यानी कि डेमोक्रेटिक और एक सेक्युलर देश है। कोसोवो के लोग अन्य मुसलमान देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा मॉडर्न, प्रोग्रेसिव और वेस्टर्नाइज्ड माने जाते हैं, और इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि कोसोवो के 95% लोग मुसलमान होने के बावजूद भी साल 2016 से अब तक कोसोवो में 5 गे प्राइड परेड हो चुके हैं। और कोसोवो के पहले गे प्राइड परेड में यूके के एम्बेसडर के साथ उस दौरान के कोसोवो के प्रेसिडेंट हाशिम थाची भी मौजूद थे। इसके अलावा भी कोसोवो महिलाओं को अधिकार देने के मामले में टर्की जैसे मॉडर्न मुस्लिम देशों से भी काफी आगे है। इन चीजों के पीछे का कारण अगर देखा जाए तो कोसोवो के ज्यादातर मुस्लिम्स धर्म का बहुत कम पालन करते हैं। कोसोवो का नजारा बलकान में बसे ज्यादातर देशों की तरह ही बेहद खूबसूरत है। आजादी के लिए साल 1990 में हुई हिंसा से कोसोवो आज भी नहीं उभर पाया है, और इस हिंसा का असर आज भी यहाँ की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है। आज के समय कोसोवो यूरोप के सबसे गरीब देशों में से एक है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जब कोसोवो आजाद हुआ था तब यहाँ गरीबों की संख्या कुल 48% थी, लेकिन कोसोवो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, और आज के समय यहाँ गरीबों की संख्या कुल आबादी का सिर्फ 23% है। कोसोवो की प्रति व्यक्ति आय सालाना 4,805 अमेरिकी डॉलर्स है, जो कि भारत का 2.5 गुना और
पाकिस्तान का 4 गुना है। कोसोवो की राजधानी और सबसे बड़ा शहर प्रिस्टीना है। एथनीसिटी की तरफ से अगर देखा जाए तो कोसोवो के 92% लोग अल्बानियंस हैं। इसके अलावा यहाँ के बाकी बचे लोग सर्बियंस हैं। कोसोवो के ज्यादातर लोग अल्बानियन भाषा में बात करते हैं और अल्बानियन और सर्बियन कोसोवो की आधिकारिक भाषा है। कोसोवो में शिक्षित की संख्या यूरोप के ज्यादातर देशों के मुकाबले काफी कम है, मगर बीते कुछ सालों से यहाँ की सरकार लोगों की शिक्षा पर काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, जिस वजह से कोसोवो में शिक्षित की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों में कोसोवो में होने वाले फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ी है। इसका कारण अगर देखा जाए तो ज्यादातर यूरोपीय देश, यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन भी कोसोवो का बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और इसी वजह से कोसोवो में यूरोपियन यूनियन की करेंसी यूरो का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कोसोवो की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती प्रदान करता है। और कोसोवो के बारे में ये कहा जाता है कि कोसोवो यूरोप के उन देशों में से एक है जो कि अगर इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो इसे यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप भी मिल सकती है। 9th century यानी कि 9वीं सदी से पहले कोसोवो बाइजेंटाइन एम्पायर का हिस्सा था, और 9वीं सदी के बीच में बल्गेरियन एम्पायर ने कोसोवो पर कब्जा कर लिया, लेकिन साल 1072 में बाइजेंटाइन एम्पायर इस पूरे हिस्से पर अपना कब्जा दोबारा जमा लेता है। 13वीं सदी बलकान क्षेत्र में सर्बियन एम्पायर का उदय होता है, और साल 1346 आते आते सर्बियन एम्पायर कोसोवो पर कब्जा कर लेता है, और इस समय कोसोवो सर्बियन राजनीति, कला और संस्कृति का एक केंद्र बन जाता है। लेकिन इसके सिर्फ 43 साल बाद टर्की के ऑटोमन एम्पायर और सर्बियन एम्पायर के बीच साल 1379 में बैटल ऑफ कोसोवो लड़ी जाती है, जिसमें भले ही ऑटोमन एम्पायर सर्बियन एम्पायर को हरा नहीं पाता है, मगर इसके बाद सर्बियन एम्पायर का कंट्रोल कोसोवो से बहुत हद तक खत्म हो जाता है, और साल 1459 आते आते ऑटोमन एम्पायर इस पूरे हिस्से पर कब्जा कर लेता है, और इसी समय कोसोवो में इस्लाम का आगमन होता है। कुछ इतिहासकारों की माने तो 8वीं सदी से 19वीं सदी के बीच कोसोवो के ज्यादातर लोग सर्बियंस थे, लेकिन इसे प्रमाणित करना काफी ही मुश्किल है, क्योंकि कुछ इतिहासकार और स्कॉलर्स जैसे कि फ्रेडरिक एफ एनस्कॉम ऑटोमन सोर्सेस से ये साबित करते हैं कि 17वीं सदी के शुरुआत में प्रिज़रिन जैसे बड़े और महत्वपूर्ण शहरों में सर्बियंस की कोई आबादी मौजूद नहीं थी, और इस दौरान कोसोवो के पश्चिमी और केंद्रीय हिस्से में बहुसंख्यक अल्बानियन लोग ही रहते थे, और 17वीं सदी के दौरान प्रिज़रिन में कैथलिक और मुस्लिम अल्बानियन रहते थे। लेकिन ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा बनने के बाद कोसोवो में बहुत तेजी से लोगों का धर्मांतरण शुरू हुआ, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर के अंदर कोसोवो के वह लोग जो कि मुस्लिम्स नहीं थे उनसे एक अलग टैक्स जिजिया लिया जाता था, और बहुत से नॉन मुस्लिम्स इस टैक्स से बचने के लिए और बराबर अधिकार पाने के लिए इस दौरान मुस्लिम बन गए, जिसके बाद से यहाँ का मेजॉरिटी रिलीजन इस्लाम बन गया। साल 1912 में ऑटोमन एम्पायर फर्स्ट बलकान वॉर हार जाता है, जिसके बाद साल 1913 में ट्रीटी ऑफ लंदन साइन की जाती है, और इसमें कोसोवो को किंगडम ऑफ सर्बिया और किंगडम ऑफ मोंटीनेग्रो के बीच में बांट दिया जाता है। इसके बाद सर्बिया द्वारा बहुत से सर्बियन लोगों को यहाँ पर बसाया जाता है, ताकि सर्बिया कोसोवो पे अपना प्रभाव बना सके और कोसोवो में सर्बियन और अल्बानियन लोगों की संख्या बराबर हो जाए। इसी बीच बहुत से अल्बानियंस को कोसोवो छोड़कर अल्बानिया जाना पड़ता है। साल 1941 में जब एक्सिस देश इस हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं, तब क्योंकि कोसोवो के ज्यादातर लोग अल्बानियंस थे, इसी वजह से कोसोवो को इटली द्वारा नियंत्रित अल्बानिया में मिला दिया जाता है। साल 1946 में कोसोवो सर्बिया, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया और हर्ज़ेगोविना, इन सभी देशों की तरह युगोस्लाविया में समा गया। युगोस्लाविया टूटने के बाद साल 1992 में कोसोवो ने खुद को एक अलग देश घोषित कर दिया, मगर इस समय अल्बानिया के सिवा दुनिया के किसी भी देश ने कोसोवो का समर्थन नहीं किया। साल 1998 में कोसोवो लिबरेशन आर्मी और सर्बियन पुलिस फोर्स के बीच हिंसा
हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ गई और इस हिंसा में कोसोवो के 13,000 से ज्यादा लोग मारे गए। साल 2006 में जब सर्बिया यूगोस्लाविया से अलग हुआ, उस समय पूरी दुनिया के हिसाब से कोसोवो भी सर्बिया का हिस्सा था, मगर कोसोवो के लोग अलग होने के लिए विरोध प्रदर्शन करते रहे। और साल 2008 में अमेरिका और यूरोप के देशों और नेटो की मदद से कोसोवो सर्बिया से अलग हो गया, मगर सर्बिया आज भी कोसोवो को अपना हिस्सा मानता है। लेकिन दुनिया के ज्यादातर देश जो कि अमेरिका के अच्छे एलाय हैं, कोसोवो को एक अलग देश के रूप में स्वीकार करते हैं। और कोसोवो अब भारत से भी यही उम्मीद लगाए बैठा है, क्योंकि बीते कुछ सालों में भारत और अमेरिका के संबंध बहुत ही मजबूत हुए हैं। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद बहुत से अफगान रेफ्यूजीज, औरत और बच्चे कोसोवो में शरण ले रहे हैं, और इसीलिए कुछ यूरोपीय देश इस बात से चिंतित हैं कि इससे कहीं कोसोवो यूरोप में आतंकवाद का गढ़ ना बन जाए। पिछली वीडियो के सवाल का सही जवाब दिया था शिवम वर्मा, भास्कर चौधरी, सत्य चौहान और सैयद सैयद ने। इस वीडियो में मैं शाउट आउट देना चाहूंगा तेजल पटेल, विष्णु कुमार और रश्मि किशोर को हमारी वीडियोस में अच्छे अच्छे कमेंट्स कर हमें मोटिवेट करने के लिए। इस वीडियो का सवाल, कोसोवो की राजधानी का नाम क्या है? ध्यान रहे ये सवाल इसी वीडियो से पूछा गया है और इसका सही जवाब देने पर आपको भी शाउट आउट मिल सकता है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।